नमस्कार प्यारे साथियों। बेटा उसको ठीक करना, ये वाइर ये निकाल के देना। नमस्कार और मॉर्निंग की 11 बजे की क्लास से आपका भव्य स्वागत है। और प्रश्न उत्तरी में देखो दो समस्या हुई थी, एक तो परसों हुई थी और एक कल हुई थी। कल अपने क्या था, वीडियो ठीक नहीं चल रहा था तो क्रैक कर दी गई थी क्लास को। तो एक दो प्रश्न रिपीट हो तो मुझे बोलना मत कि सर रिपीट हो गए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, मात्र बहुत ही कम समय में आवाज सब ठीक आ रही होगी। आप चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार मॉर्निंग की 11 बजे की क्लास है और आनंद ही आनंद है और जल्दी से आप जुड़ जाइए। बिल्कुल नमस्कार नमस्कार, सब बच्चों का भव्य स्वागत है। कल से अपन ने डिसाइड किया था कि कमेंट्स पे कम ध्यान देंगे और केवल पढ़ने पर ध्यान देंगे। काफी बच्चों के आए थे, मैंने कल शाम वाली क्लास के भी सबके कमेंट्स पढ़े थे, सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। नमस्कार धन्यवाद सभी का। और आप कमेंट्स करते रहिए, प्रश्न का जवाब देते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, भारत संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपको सबको पता है कि भारतीय कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में होती है, भारत के राष्ट्रपति में होती है। ये नाममात्र का जो प्रधान होता है भारत का, यानी कागजी शेर कहते हैं राष्ट्रपति को। आप अपनी भाषा में क्या कह सकते हो, कागजी शेर, नाममात्र की कार्य प्रणाली। वास्तविक प्रधान अपने प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और ये मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति जो सारे कार्य अपने हस्ताक्षर करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, सभी बच्चों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न क्या है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? तो देखो संवैधानिक रूप से अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो अपने कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका के शीर्ष पद पर भारत का राष्ट्रपति होता है, जिसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत के जितने भी राजकीय कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, करने वाला। वैसे वास्तविक प्रधान अपने प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में दर्शाया गया है, जबकि राष्ट्रपति 52 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 52 ये कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 75 ये 75 पृष्ठ में है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा जो मंत्रिपरिषद के शीर्षक पर नेता होगा, अपन ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का प्रधान होता है। ये जो राज्य होता है उसका प्रधान होता है, यानी देश का। पॉलिटिकल की राजनीतिक भाषा में देश को राज्य कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? तो आपको पता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति के लिए भी यही है और उप राष्ट्रपति के लिए भी उम्र यही निर्धारित की गई है। और यदि मैं यहां देखूं तो ये राज्य सभा के सदस्यों के लिए उम्र यही है और विधान परिषद के सदस्यों के लिए 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए, विधान परिषद के लिए 30 और लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। तो ये उम्र से संबंधित प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, या राष्ट्रपति 35 वर्ष बताया गया है। अगला प्रश्न क्या है वो देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? जैसे दोस्तों अमेरिका है, अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति अधिक से अधिक कितनी बार बन सकता है, 2 बार ही बन सकता है। मगर भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है संविधान में कि एक व्यक्ति अपने पद पर दोबारा कितनी बार बन सकता है। तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 57 ये कहता है
कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित कितनी बार भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है, यानी कोई निश्चितता नहीं है। एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है, चार बार भी हो सकता है, पांच बार भी हो सकता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, दो बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। छह नंबर का प्रश्न है, अपनी स्क्रीन पर है। प्रश्न बहुत अच्छा है और प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देश का प्रथम नागरिक अगर जनगणना होती है, आप सभी को पता है, तो पहला व्यक्ति किसे गिना जाता है? राष्ट्रपति को। दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति की पत्नी को। पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। और दूसरा व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति की पत्नी। तो प्रथम नागरिक क्या हो गया? राष्ट्रपति। अगर महिला राष्ट्रपति है तो फिर प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक और प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, एसएससी, जीडी और रेलवे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सशस्त्र सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, मैं ये कह सकता हूं तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति या सर्वोच्च कमांडर होता है, प्रधान सेनापति होता है। आप इसे क्या कह सकते हो? सेनापति भी कह सकते हो, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कह सकते हो, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कह सकते हो। तो वह कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अगर किसी विदेशी देश से युद्ध करना हो, विदेशी आक्रमण हो जाए, तो राष्ट्रपति की आज्ञा से ही, राष्ट्रपति के आदेश से ही दूसरे देश से युद्ध शुरू किया जाता है। जैसे अभी एक युद्ध चल रहा था इजराइल के और फिलिस्तीन के, तो इजराइल के राष्ट्रपति ने वहां परमिशन दी। उसी प्रकार क्या है, भारत के राष्ट्रपति अगर परमिशन देता है कि आपको युद्ध लड़ना है, तो फिर सेनाओं को युद्ध लड़ना ही पड़ता है। इसलिए सशस्त्र तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। प्रश्न संख्या 8 है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, आप देखिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। मगर राष्ट्रपति को अगर शपथ की बात हो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है। मगर त्यागपत्र वह किसको देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मगर उसे पहले ही उसके पद से हटाया जाए, उसके पद से समय से पूर्व हटाया जाए, तो संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 ये कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति अगर संविधान पर अतिक्रमण करता है या संवैधानिक रूप से गलत पाया जाता है, तो उसे संसद महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। ठीक है, अगला 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस देश से ली गई? महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाने की जो पद्धति है, जो महाभियोग है, वो तो अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग कौन से? अनुच्छेद 61 में। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको पता है अंबेडकर जी ने जो भारतीय संविधान बनाया था, तो विदेशी स्रोतों का काफी संग्रहण किया था, हर जगह से अलग अलग चीजें ली गई थी। तो अमेरिका से क्या लिया गया था? आपको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? मैंने अभी बताया कौन से में, 61 में। और अनुच्छेद 54 क्या करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? अनुच्छेद 54। और यहां क्या है? प्रधानमंत्री,
अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से। और अनुच्छेद 62 क्या है? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो पद भरने से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय के लिए खाली नहीं रह सकता, इससे पहले चुनाव करवाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए, खाली हुए पद को भरने के लिए जो अनुच्छेद कहता है वो कौन सा कहता है? 62 अनुच्छेद कहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बेटा, कमेंट्स पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि प्रश्न कम समय में ज्यादा प्रश्न करवाने हैं कि थोड़े से समय अधिक प्रश्न हो तो आपका भी समय की बचत हो जाए। नमस्कार सभी का, मैं कमेंट देख रहा हूं, सभी के उत्तर भी बराबर मिल रहे हैं मुझे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल। अब आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता द्वारा तो भाग लिया ही नहीं जाता, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात हम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इस कारण राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला चुनाव है, अप्रत्यक्ष प्रणाली पर। प्रत्यक्ष प्रणाली जैसे अपन लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी चुनाव जीत कर आए हुए मनोनीत, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वह भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, यानी जो पहले, अब तो एंग्लो इंडियन सदस्य होते नहीं है, पहले जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे लोकसभा में और राज्यसभा में, जो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता था 12 सदस्यों को, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। विधानसभा के निर्वाचित ही सदस्य, भाई कुछ विधानसभा ऐसे है जहां पर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए हुए सदस्य वो भी भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को पुनः निर्वाचित करने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है? पुनः निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पद पर दोबारा व्यक्ति मनोनीत किया जा सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है, यह कोई प्रावधान नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 51 की तो मैं बात पहले ही बता दूं आपको दोस्तों कि ये जो अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, और 51 क्या है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। मगर 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति अभिव्यक्ति की से संबंधित है, जो नीति निदेशक तत्वों में आता है। जैसे नीति निदेशक तत्व होते हैं वो 36 से 51 में होते हैं, तो 51 नंबर का यही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर कोई भी वाद विवाद हो जाता है, कोई भी निर्णय लेना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इस पर निर्णय लिया जाता है, वाद विवाद के संबंध में भी। यहां देखो अगला ही प्रश्न आ गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इनका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है बेटा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को भंग करने से पूर्व वह लोकसभा के नेता अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर वह लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इस कारण लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है जैसे राज्यों के प्रति राज्यपाल होते हैं,
राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल। और राज्यपाल किसकी अनुशंसा पर नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और तो राज्यपाल हो गया। एक मिनट आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे बढ़ते हैं। यहां 19 नंबर का प्रश्न आया है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है। देखो वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, और अभी संशोधन करके मुख्यमंत्री का भी नाम लिया गया है, मगर किसकी सलाह पर करता है। यहां मुख्यमंत्री से परामर्श कर सकता है, राय ले सकता है, मगर सलाह किसकी मानता है, प्रधानमंत्री की मानता है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और यह मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति अपना कार्य करेगा, यह आपको पता है। और 78 क्या है, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो बताता है कि जितने भी प्रधानमंत्री कार्य करता है वो प्रधानमंत्री अपने कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति को अपने द्वारा किए गए, मंत्रिपरिषद के द्वारा किए कार्यों की जानकारी देता है। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र को प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है। तो ये 6 सप्ताह होता है बेटा, कितने सप्ताह तक रखा जा सकता है, 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। एक बार मैं देख लेता हूं, 6 सप्ताह, बिल्कुल। अपन जल्दी से क्लास को खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि समय अपने पास वैसे भी कम रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ लेने का अधिकारी होता है। यानी किसी भी विधि पर सर्वोच्च न्यायालय किसका राय ले सकता है, तो राष्ट्रपति का राय ले सकता है, राष्ट्रपति की राय ले सकता है कि कोई भी विधि का प्रश्न हो तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति होती है, तो उस समय भी वह उस केस के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय से बात करता है। तो इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय भी क्या गया, राष्ट्रपति से परामर्श लेता है और अपना अधिकार रखता है, तो राष्ट्रपति से रखता है। अब देखो यहां भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो अभी मैंने बात किया कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है, तो राष्ट्रपति भी जब समाधान की शक्ति, जो अनुच्छेद 72 क्या है, समाधान, इस समाधान की शक्ति के लिए क्या करता है, वो किसी केस में उलझ जाता है और उसे दिक्कत होती है कि इसे किस आधार पर सजा दी गई, तो वो परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से कि मैं इसको क्या करूं। वह अनुच्छेद 143 है और 32 अनुच्छेद आपको पता है संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री वैसे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मगर पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे के प्रश्न में चलते हैं, क्या प्रश्न है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।
नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी पहली बार चुनाव हार गए थे, मगर जब दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो निर्विरोध ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। एक बात राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, नीलम संजीव रेड्डी। सबसे लंबे समय तक भारत का राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति बनना राजेंद्र प्रसाद के नसीब में रहा है, जो पहली बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, यानी प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे और इन्हीं ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी रहे हैं। जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्हों पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, गैर कांग्रेसी वीवी गिरी थे, कौन थे? वीवी गिरी। इनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया? अब देखो ये जो प्रश्न बनता है कि ऐसा मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का कार्य कर रहे थे, तो एक स्थिति ऐसी आई थी कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वहां राष्ट्रपति का कार्य करता है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला को यह गौरव प्राप्त हुआ था। ये भी ऐसे व्यक्ति थे जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, मगर मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहते हुए ये भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ था, क्योंकि भारतीय जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई थी और जो उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, त्यागपत्र किस लिए दे दिया था? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। इस कारण हिदायतुल्ला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, ये मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी राष्ट्रपति बने थे। अगला जो प्रश्न आया है, निम्न में से कौन लगातार दो बार राष्ट्रपति रहे? तो मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, ये पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले, ये और ये दोनों पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति है। भारत में दो ही राष्ट्रपति है, दोनों सॉरी ये नहीं है, हिदायतुल्ला थे, ये तो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति थे, तो राजेंद्र प्रसाद रहे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई? तो ये जाकिर हुसैन थे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए 74 अनुच्छेद। 74 क्या कहता है? भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेगा। फिर 74 में क्या है? प्रधान मंत्री। और 72 में क्या है? क्षमा दान की शक्ति। ठीक है, और अगला और आज का लास्ट प्रश्न, समय कम समय में इत्यधिक प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाए, वो जनता द्वारा चुना जाए। तो यहां क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। तो ये आज के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न थे, कल की क्लास से अपने किसी वजह से ड्रॉप हो गई थी, कुछ प्रश्न रह गए थे, इसके लिए माफी चाहूंगा। सभी बच्चे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है,
तैयारी पर विशेष ध्यान दे, समय को व्यर्थ नहीं करे। ये 11 बजे वाली सीरीज 5 बजे हिस्ट्री की थ्योरी की क्लास लेना ना भूले, रात को 9 बजे रीजनिंग की प्रश्न उत्तरी लेना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।